सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल योगी में और मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइन की। मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिक डिजाइन बनाना, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर और बिना किसी मोबाइल की एप्लीकेशन के। आप बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, किसी पर्सनल ओकेजन के लिए आप कोलाज बना सकते हो, अपनी फैमिली का कोलाज या किसी को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए उसके लिए बर्थडे कोलाज बना सकते हो, किसी के वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बना सकते हो, या फिर जो भी आपको काम पड़े उसके लिए आप कोलाज बना सकते हो अच्छा सा, और बिल्कुल फ्री है दोस्तों ये। और इसमें आप फेसबुक कवर बना सकते हो, पिंट्रेस्ट कवर बना सकते हो, जितने भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ट्विटर सबके लिए कवर बना सकते हो, यूट्यूब के लिए आप थंबनेल बना सकते हो, यूट्यूब का प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो, यूट्यूब का कवर भी बना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको photozet.com पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये आप देख लीजिए। photozet.com आपको दिखाई दे रहा है और दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉगिन। तो जो लॉगिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं इस पे लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे लिखा आएगा, देखिए साइन अप का लिखा रहा है, क्योंकि मैंने साइन अप किया हुआ है इसलिए आपको करना पड़ेगा साइन अप, ठीक है। और मैंने किया हुआ है इसलिए मैं करूँगा लॉगिन। साइन अप करने के बाद ये आपको एक मेल आईडी पे, जो आपकी मेल आईडी आप भरोगे साइन अप पे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, करके दिखा देता हूं। ये साइन अप करूंगा तो बस आपको मेल आईडी डालना है, खुद का मेल आईडी दोबारा डालना है और एक नया पासवर्ड चूज कर लेना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक मेल आएगी आपकी मेल आईडी पर, उसमें आपको मेल आईडी ओपन करनी पड़ेगी, उसके लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद आप आ जाइए लॉगिन सेक्शन में, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर दीजिए जो भी है। आपको पता है मेरा ईमेल आईडी है yogendrasaini7000@gmail.com। तो मैंने अपना ईमेल आईडी भर दिया है, यहाँ मैं अपना पासवर्ड भर दूंगा और दोस्तों सिंपली इसको लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए नीचे आप देख लीजिए तीन चीज़ आपको दिखाई दे रही है, क्रिएट डिजाइन, मेक ए कोलाज और एडिट ए फोटो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और इसमें कुछ चीज़ें पैसे की है वो हमें नहीं लेनी, सिर्फ फ्री फ्री वाली यूज करनी है। तो चलो पहले मैं आपको कोलाज बना कर दिखाऊँ या डिजाइन, चलो देख लें क्रिएटिव डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे ट्राई इट नाउ पे जाएंगे, सॉरी इसको इग्नोर ही कर देंगे, और ट्राई इट नाउ पे जाएंगे और ट्राई इट नाउ पे क्लिक कर दिया और अभी आपको दिखाएगा, देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी बन जाए लेकिन मैं आपको पूरी तरह सिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। देखिए इसमें सबसे पहले डिजाइन दिखा देगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, आप देखिए यूट्यूब चैनल आर्ट, फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, कुछ भी आप बना सकते हो एनीथिंग। और देखिए मैगजीन कवर, कार्ड, इनविटेशन, पोस्टर, फ्लायर, लोगो, फेसबुक एड और ये लीडर बोर्ड, ये भी कुछ होता होगा। यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो आप, ट्विटर हेडर बना सकते हो, गूगल प्लस कवर, फेसबुक, सब कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ बहुत कुछ आपको मिल रहा है, इन्विटेशन, फेसबुक पोस्ट, सॉरी पोस्ट और पता नहीं क्या क्या। और मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें कुछ अपन और भी देख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें बनाने लायक। चलिए मान लो हम लोग बनाए इसमें क्या बनाए बताओ, चलो फेसबुक कवर में हम क्लिक करते हैं, ठीक है, फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो फेसबुक पोस्ट पे हमने क्लिक कर दिया और ये इस तरह से हमको यहाँ पे पूरे के पूरे डिजाइन दे देगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन पे क्राउन सा बना हुआ है आप देख लीजिए, ये एक क्राउन सा बना हुआ है, ये तो है पैसे का तो इस पर हम छेड़ना नहीं है, और जिन पे नहीं बना वो फ्री का है। तो हम कुछ बनाते हैं नया, चलिए देखते हैं कुछ अच्छा सा बढ़िया सा, कुछ अच्छा लगता है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या टैंपलेट चुन लेंगे, यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है टैंपलेट ऑलरेडी, तो हमें जो भी अच्छा लगे हम टैंपलेट इसमें से देख लेंगे। अगर हमें मान लो कोई भी टैंपलेट पसंद नहीं आए तो हम वापस चले जाएंगे। फेसबुक पोस्ट हमको अभी तक इसमें कोई ठीक नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ इसको और पीछे चले जाते हैं वापस। आप देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे ना वही कीजिएगा, मुझे भी पसंद नहीं आया, हो सकता है आपको पसंद आ जाए या आपकी मर्जी, वापस से ट्राई इट ना हुआ जाएगा। और ये मैं सब इसलिए करके दिखा रहा हूँ बार बार ताकि आप ठीक से समझ जाएँ कि कैसे कैसे वापस आना है और कैसे कैसे इसमें काम करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ कुछ और बनाएंगे, देखिए वैसे तो आप ब्लैंक लेके भी काम कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैंक नहीं लूँगा, मैं इसमें ही कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपन लोग
ठीक है, और वापस अगर जाते हैं और दोबारा, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें वापस चलते हैं हम लोग अब ट्राइट नाउ पे क्लिक करके कोलाज पे। कोलाज पे हम लोग देखेंगे किस किस तरह के डिजाइन है। मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट इसमें बना के कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे डिजाइन तो वापस आ गए, अरे बाबा। तो हम लोग क्या डिजाइन पे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ कोलाज पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कोलाज में क्या क्या बनाने लायक। कोलाज में देखिए मॉडर्न है, आर्ट है, 3D है। चलो क्रिएटिव पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों आप देख लेना, ओपन करके से बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी हम लोग क्रिएटिव पे, और ये शायद मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही क्लिक कर लेता हूँ। इसको पे मैं क्लिक करूँगा और ये हमारा यहाँ पर जो है ओपन हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड फोटो पे आएगा, ऐड फोटो पे क्लिक कर देंगे। अब हमें फ़ोटो चूज़ करना है, तो ये हमारे कंप्यूटर में से हम फोटो ले लेंगे। तो कंप्यूटर में फ़ोटो लेने के लिए मैं जाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर 2। इसमें मैंने फ़ोटो कुछ पटके हुए अपने, तो चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले लेता हूँ। और अब इस फ़ोटो को आपके सामने डिज़ाइन करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये फ़ोटो जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आ रहा है नीचे डेट लिखी आ रही है, क्योंकि मेरे कैमरे में, मोबाइल के में मैंने डेट सेट किया। तो यह क्रॉप पे जो एक क्रॉप आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये है क्रॉप। तो ये जो क्रॉप है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, इतना बढ़ा दीजिएगा कि डेट हमें दिखे ना। तो हमें डेट नहीं दिखेगी, डन कर दीजिए इसको। तो डेट हमें नहीं दिख रही है, तो ये इतना हो गया। अभी हम इस पर करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट पर देने के बाद हम ये वाला इफेक्ट दे सकते हैं इस पर, और अगर हम ओबेसिटी कम करना चाहें ओबेसिटी कम कर सकते हैं, और ये नीचे से अपन सेट कर सकते हैं कलर को। देखिए अगर मैं थोड़ा सा साफ करना चाहूँ, ये देखिए बिल्कुल हो गया क्लियर, अब हमारा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो फोटो जेट लिख रहा है, दोस्तों डरिए मत, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको बैक स्पेस से जाके या तो कुछ लिखना चाहे लिख दीजिए, अदरवाइज इसको हटा दीजिए। ATI भी लिखा हुआ है कुछ, और इसको हटा दीजिए दोस्तों, डबल क्लिक करके इसको सबको काट दीजिए। और ये देखिए कुछ भी अब इसमें दिखाई नहीं देगा। तो ये इतना बन गया है, और अभी हम इसमें देखेंगे कोई, यहाँ देखिए आपको यहाँ एक देखिए, यहाँ है बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट भी आपको दिख रहा है, टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है, और फोटो हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, टेम्पलेट हमने पहले चुन ही लिया था, और बैकग्राउंड भी यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड उसका चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड ये लगा के देखते हैं, हाँ ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमने ये बैकग्राउंड लगा लिया है। इसके बाद हम चलेंगे टेक्स्ट में, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और ये जो है आपके सैंपल, इसमें मैंने देखो बताया था ना, क्राउन जो लगा हुआ है यहाँ पर, जो क्राउन है ये पेड है, अदरवाइज बाकी फ्री है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमें अच्छा लगता है, तो हम यहाँ थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। और मुझे यहाँ पर अपना लिखना है नाम, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कौन सा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, इसमें भी अब ये चीज़ है कि ये अपन ने देख तो लिया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ मैं, और साइज़ यहाँ से बड़ा करेंगे, 56 है, इसको हम 72 करके देखेंगे। हाँ तो 72 थोड़ा ठीक है। तो चलिए पहले मैं नाम लिख लेते हैं अपना, मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट कर देंगे। और मैं अपना नाम लिख देता हूँ YOGENDRA, योगी योगेंद्र। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो क्राउन लग रहे हैं ना, वो जो क्राउन वाले तो फ्री नहीं है, और ये बाकी फ्री है। तो हम ये लोग यहाँ देखेंगे नीचे कर करके कि हमें कौन सा पसंद है, मान लो हमें ये पसंद आता है या फिर ये पसंद आता है। तो जो भी हमें पसंद आ रहा है हम यहाँ से डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे, या हमें मान लो ये पसंद आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपको पसंद आए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये भी अच्छा नहीं है, ये वाला देखिए, हाँ ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कर देंगे, बोल्ड करना चाहेंगे हम बोल्ड कर देंगे, वैसे ये ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कुछ करना नहीं हमको, इफेक्ट में हमें जाना है यहाँ। अब ओबेसिटी हमको थोड़ी सी कम कर देनी है इसकी, हल्की सी, थोड़ी सी ओबेसिटी कम करेंगे हल्की सी। तो अब ये देखिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और साइज़ भी ठीक है इसका। और विड की बात करें तो नहीं 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 अच्छा नहीं है, विड इतना ही ठीक है। ग्लो की बात करें, आप देना चाहो ग्लो तो दे सकते हो, अदरवाइज ग्लो देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये ब्लर है, ब्लर नहीं चाहिए हमको। और तो दोस्तों ये आपका हो गया तैयार, अभी ये एकदम तैयार हो गया है बिल्कुल। और इसको यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पे सेव है, यहाँ पे आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। सेव करने के लिए मैं सेव पे क्लिक करूँगा। आप जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए आपको या मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ फ्री है, तो मीडियम भी काफ़ी होता है, 150 dpi बहुत ज़बरदस्त dpi, अच्छा होता है ये भी साइज़। आपको png में करना है, jpg में करना है, मुझे jpg में करना है, अभी मैं स्मॉल कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये एक सेकेंड बाद हमें एक लिंक दे देगा और यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। और दोस्तों ये सेव होने लग जाएगा, और ये कह रहा है कि अगर आपका सेव नहीं होने लगे, वैसे तो देखो नीचे होने लग गया है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है इसलिए दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके भी इसको सेव कर सकते हैं अगर यहाँ पे नहीं हो, लेकिन ये हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक फेसबुक कवर भी बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जाते हैं इस पर और डिज़ाइन पर वापस से क्लिक करते हैं, और ये फेसबुक कवर पर हम क्लिक करते हैं, फेसबुक का कवर फोटो बना लेता हूँ मैं। और आप YouTube वगैरह के थंबनेल वगैरह भी आप इससे अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, शॉर्टकट देखिए, जो ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑल लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई हमारे ये देखिए, इसमें हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह चूज़ कर, लव एनिमेशन वगैरह कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, और ये फेसबुक कवर हम आराम से बना सकते हैं फोटो लगा के कुछ भी। लेकिन मैं कुछ बनाने वाला हूँ फेसबुक कवर कोलाज टाइप में, तो मैं कोलाज पे क्लिक करूँगा, और देखिए कोलाज के अंदर मैं बनाऊंगा फेसबुक कवर। तो हम लोग कोलाज के लिए मॉडर्न में जाएं, तो हम लोग मॉडर्न में चल जाते हैं। चलिए मॉडर्न पे क्लिक करेंगे, और मॉडर्न पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक कवर के हमको कोई टेम्पलेट ठीक ठीक लग नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम वापस में डिजाइन पे जाते हैं। आप चाहो तो प्लेन भी ले, ये फेसबुक कवर यही आ रहा है सिर्फ, और यहाँ पर कोलाज टाइप के जो फेसबुक कवर है, ये रहा फेसबुक कवर, ये वाला चूज़ कर लेते हैं एक बार। तो ये फेसबुक कवर हमको मिल गए हैं, तो अभी हम लोग ये वाला फेसबुक कवर ले लेते हैं, ज़्यादा समय ख़राब हमारा हो रहा है इसलिए हम लोग एक कोई भी फ्री वाला फेसबुक कवर ये वाला ले लेते हैं। चलिए तो ये वाला हमने फेसबुक कवर यहाँ ले लिया है, और अब हमको इसको बनाना है। तो सिंपल है भाई, बैकग्राउंड हम चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, ये देखिए चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो ये हमने कब बना लिया है, और इसको हम हटाना चाहें तो इस तरह से हटा सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हम हटा देंगे, डबल क्लिक किया हटा दिया, ठीक है। ये लोग गायब हो जाएगा, और इसको भी हम हटा देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इजीली आप बना पाएंगे, इसमें फ़ोटो वगैरह सब लगा लेंगे, आप देख लीजिएगा फ़ोटो वगैरह अच्छा सब है ना, क्योंकि अब मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इस पर कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर सारे देखे टेम्पलेट आपको मिलेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कुछ भी बना के दिखा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक अच्छे से टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।